अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرين گرامی قدر उलमाए ज़ीवकार सलाव में ये महफिल चौधरी करामत हुसैन साहब और मलक मजहर अली साहब की दावत इनकी मोहब्बत और खुलूस की यादगार है और जो साथी दूर दराज से तशरीफ लाए बल्कि बहुत बहुत ही दूर से आए क्योंकि मैं मुल्क में घूमा फिरा हूं, मसाफतें देखी हैं मैंने, तो आज जिस मकसद के लिए आप जमा हुए हैं आपका ये दूर से आना नजदीक से आना इंशाअल्लाह अजर और सवाब से खाली नहीं होगा, क्योंकि मकसद इस इज्तिमा का कुरान और सुन्नत और हुजूर रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात अकाबर उम्मत के उस्वे हसना और जो हमारे इस्लामी मुफक्किर गुजरे हैं बड़े बड़े उनके तर्ज अमल तर्ज हयात उनकी तालीमात तसानीफ नुक्ताए नजर के इक्तिबासात जिक्र ज़ौक़ो शौक दर्द गुदाज इनाबत इलल्लाह रुजू इलल्लाह ताल्लुक माल्लाह ये सब चीजें मिलकर अपने अपने वक्त पर मौके पर आपके सामने इंशाल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश इतनी है कि ये तो इब्तदाई जुमले थे इफ्तिताही कलिमात थे लेकिन ये तो मैंने नहीं कहता कि मैं बहुत खतीब हूं या बहुत अच्छा बोलने वाला हूं, मुझे अपनी इज्ज़ बयानी का एतराफ है लेकिन आपके हुस्न समात की उम्मीद है कि आप अच्छा सुनना जानते हैं क्योंकि सुनने पर महफिल मौकूफ होती है। अगर तिलावत कलाम कलाम इलाही भी की जाए तो सामीन में जौक और जज्बा न हो समाज का जौक न हो तो अल्लाह का कलाम भी वो जौक पैदा नहीं कर सकता। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है आप हैरान होंगे कि मैंने ये दो आयात जुमले मुख्तसर मगर जामे और माने। जामे वो है जो अपने अंदर की चीज बाहर ना जाने दे और माने वो है जो बाहर की चीज अंदर ना आने दे। जामे माने का लफ्ज मैंने जो इस्तेमाल किया है इसका मतलब है जो अंदर की चीज बाहर ना जाने दे और बाहर की चीज अंदर ना आने दे। गैर जरूरी कलाम गैर जरूरी लफ्ज गैर जरूरी मफहूम उसमें ना हो और जो जरूरी हो वो बाहर ना जाए। ये कुरान का एजाज है तो ये किताब वो है जो जामे माने हैं
यानी जो जरूरी चीजें हैं वो इसके अंदर हर लफ्ज में मौजूद रहती हैं, और जो अल्लाह ने इसमें रख कर भेजा है वो बदस्तूर अजब से अब तक कायम है और रहेगा। और माने ये है कि बाहर से कोई चीज इसमें दाखिल नहीं होगी, माने का ये मायना है कि बात यानी मना करने वाली है और बाहर से खारिज की कोई चीज इसमें दाखिल नहीं होगी। मसलन माकाना मोहम्मद उन अबा अहदिन में रिजालिकुम वला के रसूल अल्लाह है व खातम नबीयीन। तो ये खातम नबीयीन का लफ्ज जो है ये अपने मानिए मुरादी पर जो पूरी दलालत कर रहा है कि खत्म नबूवत क्या है, खत्म का क्या मायना है। खिताम हु मिस्क कुरान में आता है, खिताम हु मिस्क, जन्नत में जो लोग बैठे होंगे और उनको जो शराब दी जाएगी तो वो सरबमोहर होगी, यानी जामे भी होगी माने भी होगी, अंदर की चीज बाहर भी जाएगी, बाहर की कोई आलाइश अंदर दाखिल नहीं होगी। खिताम हु मिस्क, उसकी मोहर जो होगी वो कस्तूरी की होगी। तो खिताम जो है ये खत्म से है, खिताम तो खत्म का क्या मायना है, ये कुरान की जबान है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, लुगत जबान जो है ये कुरान की, यानी कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है तो लुगत उसके मुताबिक है। कुरान का लफ्ज हम लुगत के ताबे नहीं कह सकते बल्कि लुगत कुरान के ताबे है। मैं एक बार समझिए आपने, आप जरा शौक शौक रखेंगे तो लुत्फ पैदा होगा। हाँ, कोई बंदिश नहीं है। नारा जरूर लगाएं लेकिन जब पैमाना सब लबरेज हो जाए उस वक्त नारा लगाएं। लेकिन ये सुभान अल्लाह और ये मैं ये नहीं कहता आप मुझे जरूर दाद दें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं बात कर रहा हूं आप उससे महजूज हों और अब खुद दाद दें। मैं आपसे दाद की भीख नहीं मांगता, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतना पता हो कि मैं दीवारों से मुखातब नहीं हूं, इंसानों से मुखातब हूं, बस ये आप साबित रखें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खिताम हु मिस्क के उसकी जो मोहर होगी वो कस्तूरी की होगी, तो मोहर क्यों लगाई जाती है, मोहर क्यों लगाई जाती है, इसलिए कि एक ये जिस कंपनी से बन कर आई है ये शराब, ये उस कंपनी की मोहर है, इस पर लगी हुई है, इसमें यानी ये तो खुशबूदार है कि इसके अंदर की जो चीज है ये पता दे रही है कि जब बाहर इसकी मोहर खुशबूदार है तो अंदर का क्या हाल होगा। जाहिर है कि अंदर शराबन तहूरा होगी, तो ये उस कंपनी से ये निशानी होती है। तो फिर उसमें कोई चीज अंदर की बाहर नहीं जाती और बाहर की अंदर नहीं आती, ये जरूरी है। तो अब ये देखें कि ये लफ्ज जो खातमुन नबीयीन कुरान में आया है, तो मैंने ये पहले अर्ज की है कि कुरान का कोई लफ्ज भी है कहां से, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक, बे की बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की बे और नास का सीन, बस क्या लफ्ज बना, बस तो क्या बना, बस कुरान यही है और बस। क्या है, ना इसमें कोई अंदर कोई चीज दाखिल हो सकती है ना इससे खारिज की जा सकती है, कुरान यही है। अब क्या हुआ कि इसका कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो अपने माने मुरादी पर दलालत ना करता हो। तो खातम नबीयीन, मैंने खिताम की ये हवाला दिया है आपको, तो खातम नबीयीन का क्या मायना हुआ के वो नबियों की मोहर है, नबियों की मोहर है, और मोहर जो होती है उसका क्या मायना होता है कि ना अंदर की कोई चीज बाहर जाती है और ना बाहर की कोई चीज अंदर आती है। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो खातमुन नबीयीन का ये जो लफ्ज है और जो इसका मिसदाक है, जो था
जिसका जिक्र है वो कुरान के अंदर है, और ये लफ्ज इसका मायना ये है कि कोई नबी आदम से लेकर ईसा तक अब बाहर नहीं जा सकता, दुनिया में नहीं जा सकता, जहूर नहीं कर सकता, और इसके बाद कयामत तक वह आने वाला कोई मुतनबी, कोई जाली नबी इस खातमुन नबीयीन के लफ्ज में दाखिल नहीं हो सकता। मैंने कहा वरना कुरान जामे माने नहीं होगा। जामे माने का क्या मतलब है? जो गैर जरूरी चीज है वो दाखिल ना हो और जो जरूरी चीज है वो खारिज ना हो। आप जुमला लिखते हैं, एक फिक्रा लिखते हैं, उसके लोग कई मानी लेते हैं, इसलिए कि आपके अल्फाज अपने मानी मुरादी पर दलालत नहीं कर रहे होते। आप फसी नहीं है, आप बलीग नहीं है, आपका इलम कम है, आप जबान नहीं जानते, आप लफ्जों का रख रखाव नहीं जानते। अल्लाह को कौन सिखाए? उसने तो आपको जबान दी है, अकल दिया है, इलम दिया है। अल्लाह से बेहतर रखने वाला लफ्ज कौन है? तो अल्लाह ने जो लफ्ज रखा है खातमन नबीयीन, मतलब ये है कि ये मोहर है, और मोहर की दलील कि उस पर लिखा हुआ है कि ये मेडन फला मुल्क है, फला मुल्क है, फला मुल्क है। तो आप देखिए हुजूर रिसालत माब के दोषे मुबारक को, आपके दोषे मुबारक को जहां आप कमली रखते थे तो वहां भी एक मोहर थी। हदीस में आता है ना जिक्र, वहां भी मोहर थी जिसको हम मोहरे नबूवत कहते हैं, और वहां लिखा हुआ था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये मोहम्मद हैं, फिर उससे ऊपर रसूल हैं, फिर उससे ऊपर अल्लाह। देखेंगे तरतीब, हदीसों में यही आता है। मोहम्मद क्या हुआ? मोहम्मद नसब है, अल्लाह से रसूल सिफत है, और अल्लाह खालिक है, मालिक है, भेजने वाला। मोहम्मद उनकी जात है, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये जिस पर लफ्ज मोहम्मद लिखा हुआ है ये कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, रसूल बिन अब्दुल्ला तो नहीं हो सकता ना। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसलिए नीचे है क्योंकि रसूल सिफत है, मोहम्मद जात है। तो मोहम्मद नीचे, उससे ऊपर ऊपर सिफत, उससे ऊपर सिफत। जो जिसने इस मोहम्मद को मुमताज किया वो क्या है? रिसालत है। इसलिए कि मोहम्मद साबित क्या हुआ कि मोहम्मद जात है, रिसालत सिफत है। अब नसब का मकाम जो है वो सिफत से नीचे है। आशी साहब मलाला फरमाया आपने के सिफत का मकाम ऊंचा है नसब से, मोहम्मद नसब है। ये नहीं है कि रसूल नीचे है और मोहम्मद ऊपर है, नहीं, मोहम्मद रसूल अल्लाह तीन है नसब है, मोहम्मद है जात है, नसब है, हाशमी है, खानदान है, कुरैश है, और रिसालत, रिसालत का कोई नसब नहीं, रिसालत सिफत है, रिसालत सिफत है। देखे ना, देखना, देखना एक सिफत है। आप देख रहे हैं सब, आंखें मुख्तलिफ हैं लेकिन आप देख रहे हैं, देखना एक सिफत है, सुनना एक सिफत है। ये तमाम लोगों में मुश्तरक है, इसका नसब नहीं है, इसका नसब नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं उनका नसब है। ठीक है, तो यही है, जितने रसूल हैं वो तमाम इसी तरह देखने की सिफत में शरीक हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं इसी तरह रिसालत और नबूवत की सिफत में शरीक हैं। लेकिन उनकी जवाब अदवार अपने अपने हैं, दौर भी अपना है, कबीला भी अपना है, खानदान भी अपना है, जबान भी अपनी है, नस्ल भी अपनी है, और रंग भी अपना है। ठीक है, जैसे आप लोग मुख्तलिफ इलाकों के हैं, मुख्तलिफ खानदान हैं, लेकिन देखने में हम सब बराबर हैं।
लेकिन अंदाजे नजर में इख्तलाफ है, देखने में कोई फर्क नहीं। वाह वाह वाह, मेरी बात सुन रहे हैं आप? सौ गुम ना हो, ये गुम होने की बातें हैं, लेकिन जरा जरा उठे समझ आएगा मुझे, आप साथ लेकर चले जरा दोबारा ले। तो अब क्या हुआ कि खातम नबीयीन, आप खातम है यानी नबूवत के खत्म है, मोहर है। मोहर के बाद कोई चीज होती है? आप गौर करें, आप यहाँ कोई सर बमोर चीज हो दुनिया की ले लें, उसके बाद ना कोई अंदर की चीज बाहर जाएगी, बाहर की चीज अंदर आएगी। तो अब ये कैसा सिलसिला है कि अब खातम नबीयीन का लफ्ज भी वाजे तौर पर कुरान ने बयान किया, और खिताबहु मिस्क ये भी कुरान ने वादे तौर पर बयान किया, ये सनद है, बतौर सनद सबूत अंग्रेज का सनद। तो उसके बाद ये जिल्ली और बुरूजी नबूवत क्या, इसका क्या मायना होगा? ये बड़ी हिमाकत है, बेइल्मी है, कुरान भी नहीं समझ रहा वो शख्स, वो जबान भी नहीं समझ रहा, अल्लाह का मफहूम और मकसद भी नहीं समझ रहा, ये खुली जलालत है। रुख मेर है तब खत शुआई की तरह, खत्म नबूवत क्या है कि रुख मेर है तब खत शुआई की तरह, वो गल्ले उम्मत में है राई की तरह, उस दौर में उस मुरसल आखिर का जहूर है मिस्र आखिर रुबाई की तरह। यानी मिसरा जो रुबाई का होता है वो चौथा एक ही होता है, चार ही मिसरों की रुबाई होती है। तो ये सिलसिला नबूवत में मुंतही होना था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, इसके बाद खत्म है, वो है मिसरा आखिर रुबाई की तरह। तो खातम मोहम्मद, यहां भी मोर लगी हुई थी, मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह की जात सबसे बड़ी, अल्लाह अकबर, सबूत है कि नहीं? उसके बाद अल्लाह ने रसूल बनाया, अपना कासिद बनाया, पैगंबर बनाया, इस मनसब पर फायज किया, और उसके बाद मोहम्मद की जात है, आपका वजूद है, तो मोहम्मद रसूल अल्लाह, यहां भी मोहर है। और ये खिताम मिस का कुरान में जिक्र है ना जन्नतियों के लिए, कि वहां जो बोतल मिलेगी पानी शराब पीने के लिए, तहूरा शराब तहूर होगी, तो वो सर बमोर होगी, यहां भी नबी को सर बमोर करके भेजा। बेटा जरूर हम देंगे, इसलिए कोई ये ना कहे कि ये नबी कैसा है कि जिसके तवस्सुल से अल्लाह से बेटा मांगे उसका अपना बेटा नहीं है। ये सरकार की शान के खिलाफ है, अल्लाह ने बेटे, हम अल्लाह ने कहा हम बेटे देंगे, लेकिन सर बमोर ये है कि तेरी तेरी तेरे घर में पैदा होने वाली जो औलाद है, हम किसी बेटे को नबूवत में शरीक नहीं करेंगे, किसी बेटे को नबूवत में शरीक नहीं करेंगे, क्योंकि सर बमोर है। इंसान का नुतफा खारिज होता है, उससे औलाद बनती है, एक मसला है, सारी दुनिया जानती है, उससे खारिज होती है, औलाद पैदा होती है, लेकिन रिसालत वो चीज है जो उसके साथ खारिज नहीं होती, वो बस खारिज नहीं होता, वो औलाद में मुंतकिल नहीं होता। वरना रसूलों, सब रसूलों की औलाद रसूल होती, सारे पैगंबरों की औलाद रसूल, सिफत जो है वो उस मादे के साथ नहीं जाती, उससे इंतसाब रहता है, लेकिन मर्तबा जो है अल्लाह जिसे देना चाहता है उसे देता है। अगर अगर मोहम्मद अरबी के बेटों में नबूवत तकसीम नहीं हुई, इब्राहिम में नबूवत नहीं आई, बेटे हैं उनके, साहबजादे हैं जिनको आप अपने झोली में लेकर रोते थे उनकी वफात पर, तो सरकार के अपने बेटे को अगर नबूवत नहीं मिली
तो खातमन नबीयीन का उसी वक्त मफहूम इन बेवकूफों को समझ लेना चाहिए कि जब इब्राहिम के होते हुए ताहिर और तैयब के होते हुए नबूवत आगे नहीं चली और फरमाया कि ये नबूवत बंद है, बेटे मेरे जरूर हैं लेकिन ये नबी नहीं हैं, ये नबी जाते हैं, तो उस वक्त समझ आ जाने चाहिए थी कि ये अगर नबूवत चलती तो यहां चलती, बेटा नबी होता। लेकिन खातमुन नबीयीन का वाज़ह तरीन अल्लाह ने यूं मफहूम अदा किया कि बेटों को नबूवत नहीं दी और साबित कर दिया कि ये खातमुन नबीयीन है। तो और कौन शख्स इसका दावा कर सकता है या इसका उसे हक हासिल है? वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। तो अल्लाह ने जामे माने देखे, बात से बात चली तो जामे माने का ये लफ्ज कैसा आया कि जामे भी है कुरान, माने भी है, हर लफ्ज जामे है और माने है। मतलब क्या हुआ कि खातमुन नबीयीन में कोई बाहर से दाखिल नहीं हो सकता। क्या मतलब? पंजाबी में कोई बाहरला दाखिल नहीं हो सकता। पंजाबी विच के कि कोई इस विच बाहरला अंदर नहीं आ सकता। गल समझ गए हो कि नहीं? तो अच्छा, तो ये अंदर की बातें हैं, ये देर से समझ आती है बाहर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो आयत मैंने पढ़ी तो ये असल में बात क्या है। अल्लाह ने फरमाया वमिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, और ये मुझसे पनाह मांग जो गांठों में फूंक मारती हैं। औरतें वो औरतें जो गांठों में फूंक मारती हैं, गड्ढा मार के ते विच फूका मारनी हैं, गांठों में फूके मारती हैं। वमिन शर्र हासिद इज़ा हसद, और शर्र हासिद से बचा जब वो हसद करे। ये अखलाकी बीमारियां हैं जो आम तौर पर तमाम अक्सरियत इंसानों में हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रोका है, मना फरमाया है, अखलाक का दर्स हुजूर ने दिया है। तो हसद के मुतल्लिक भी अहादीस में बहुत कुछ आया है, इसकी बुराइयां, इसके मफासिद का बहुत हुजूर ने जिक्र फरमाया। कुरान ने बड़ा कई आयात में इसका जिक्र फरमाया, हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिह, कि ये लोगों पर हसद करते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने किसी पर फजल कर दिया है तो ये उसका अपना फजल है, तुम जलते क्यों हो? ये बड़े अजीब लोग हैं, देने वाला मैं हूं, चीज मेरी है, जिसे दे दूं तो ये कौन है? देखना, आपकी कोई चीज है, आपकी जो जिसके आप मालिक हैं, आप किसी को भी दे दें, दूसरा इतराज नहीं कर सकता कि आप इसको क्यों दे रहे, इतनी कीमती क्यों चीज दे रहे हैं, ये मुस्तहक है, इसको देते। आप इसने इस उन्होंने कहा कि ये चीज मेरी है, चाहे मुस्तहक को दूं चाहे मुस्तहक ना हो, मेरा अपना दोस्त दोस्त के पास पहले भी हो, मैं उसको दे दूं। तुम कौन हो इतराज करने वाले? तो आप पर एतराज कोई नहीं कर सकता, तो उस खालिक के मालिक के हकीकी पर कोई एतराज कर सकता? जो शख्स महसूद पर जिससे हसद किया जाए उस पर इतराज करता है तो वो असल में खालिक पर इतराज करता है। वो खालिक पर इतराज करता है। ज़हनन मुफलिस है तू, हसद करता है। ज़हनन मुफलिस है तू, हसद करता है। महसूद को पेश, खुद को रद्द करता है। महसूद जिसके साथ हसद किया जाए, जितना तू किसी से हसद करता है ना, जिससे तू हसद करता है वो उतना ही निखर कर सामने आता है और उतना ही तू रद्द हो जाता है, मर्दूद हो जाता है, पीछे हट जाता है। ज़हनन मुफलिस है तू, हसद करता है। ये मेरी रुबाई मुझे याद आ गई। ज़हनन मुफलिस है तू, हसद करता है। महसूद को पेश, खुद को रद्द करता है। जो कुछ वो किसी को दे ये उसकी मर्जी, जो कुछ वो किसी को दे ये उसकी मर्जी। अरे खालिक पे भी ये इतराज हद करता है।
महसूद को पेश खुद को रद्द करता है, जो कुछ वो किसी को दे, जो कुछ वो किसी को दे, ये उसकी मर्जी। खालिक पे भी एतराज हद करता है, खालिक पे भी एतराज हद करता है। न तेरी चीज, चीज तो मालिक की है, अगर यूसुफ को हुस्न दिया तो ये उसकी अपनी मर्जी। उसके 11 भाई और भी थे, उनको नहीं दिया, सिर्फ एक को यूसुफ बनाया। अब जनाब दूसरे भाई ये इतराज करें कि जनाब एक ही बाप है, वही माँ है, ये एक दादा वही है, घर वही है, तो ये एक को यूसुफ बना दिया, हमें क्यों नहीं बनाया। फरमाया कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है, ये होती है मैं यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता और अपनी रहमत से जिसे मुख्तस करना चाहे, अल्लाह यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, जो मखसूस करना चाहे अपनी रहमत से, जिसको मखसूस करना चाहे, उसकी मर्जी है।